पहले स्कोर कार्ड था कानपुर का 7-2-1, अब हो गया 6 और विपक्ष का 4। आपके एक विधायक चल दिए उस ओर। सवाल यह है कि क्या आप अपने कुनबे को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को कि आप विकास की तेज रफ्तार से ले जाएंगे शहर को, और क्यों करें ये लोग आपके लिए वोट? देखिए, ये कानपुर शहर है, ये एशिया का मैनचेस्टर रहा है, ये औद्योगिक राजधानी रहा है, लेकिन इस कानपुर की बदहाली का कारण कौन था? इनका गुंडाराज और इनका भ्रष्टाचार। हमने जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, तो हमने सरकार बना करके आज गुंडाराज का खात्मा करने का काम किया है और भ्रष्टाचार की लीकेज बंद करने का काम किया है। वरना यही कानपुर, इस कानपुर में 12 घंटे बिजली नहीं आती थी, तबाह हो जाएगी ना। आप लोग शांत रहिए, बिजली नहीं आएगी। प्लीज, इस तरफ जो लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, कानपुर के लोगों से पूछ रहा हूं, ये कानपुर के लोग बताएं कि कानपुर में क्या पहले 12 घंटे बिजली नहीं आती थी? आठ साल से केंद्र में आपकी सरकार, 5 साल से यूपी में आपकी सरकार, और अभी भी आप इन्हीं को इनको कोसेंगे? नहीं, हमने गुंडाराज खत्म किया है, हमने भ्रष्टाचार रोका है, अब उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली सब जगह पहुंच रही है, वरना इस कानपुर में 12 घंटे बिजली नहीं आती थी। उद्योग धंधे तो तबाह हो जाएंगे ना जब बिजली नहीं आएगी। आज हमने उत्तर प्रदेश को ठीक करने का काम किया है। सुप्रिया शिंदे जी, एक वक्त पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन यूं फिसला कि जैसे जमीन ही फिसल गई कांग्रेस के नीचे से। क्या है आपका जवाब, कैसे विश्वास वापस आएगा? कानपुर की जनता को एक तो मेरा सबसे पहले प्रणाम। प्लीज प्लीज प्लीज, आज कानपुर को पूरा देश देख रहा है, आपके लिए आज तक मंच देता है कि आप नेताओं से सवाल करें, इसको आपसी हो हल्ला में मत बर्बाद कीजिए। सुप्रिया जी, जवाब दीजिए। आपने कानपुर का जो शो शुरू किया, आपने कहा क्रांतिकारी धरती, और ऐसी क्रांतिकारी धरती के लोगों को सबसे पहले प्रणाम मेरा। आपने एक सवाल पूछा कि हमारा ये गढ़ था, आपने इनसे सवाल पूछा इन्होंने क्या किया। मैं सिर्फ एक बात कानपुर की जनता से पूछना चाहती हूँ, 8 साल से केंद्र में सरकार आपकी है, 5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, तथा कथित डबल इंजन चल रहा है, लेकिन कानपुर की बदहाली का कारण पता है क्या है? इंजन एक तरफ नहीं, दो तरफ दौड़ रहे हैं, ये कानपुर की बदहाली का कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर के उद्योगों का सबसे बड़ी समस्या, जवाब सुनिए प्लीज प्लीज। मैं सर ये ठीक नहीं है। देखिए नेता, जवाब सुनिए फिर सवाल कीजिएगा। कानपुर के उद्योगों की अगर नंबर वन समस्या पूछी जाए तो लोग कहेंगे बिजली के बिल, जो कि कमर तोड़ महंगाई के चलते और भयावह हो गए। उसके बारे में योगी सरकार क्या कहती है? सुई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं बिजली के बिल पर, एक शब्द नहीं नौकरियों पर। आप सारे प्रदेश में होर्डिंग लगा दीजिए नंबर वन की, लेकिन उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी और यहाँ की बेजारी आपकी असलियत पूरे विश्व में बयां कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में। क्या लग रहा है, पटकनी दे दीजिएगा इस बार, और अगर हाँ तो कैसे और क्यों? हमारे साथी ने गुंडे राज की बात की, गुंडे राज की परिभाषा क्या होती है बता दे, कि बेगुनाहों पर निहत्तों पर गाड़ी चला देना, ये परिभाषा होती है या गुंडे राज की ऐसी, योगी की पुलिस ने ऐसी लचर चार्जशीट बनाई, ऐसी लचर सीडी बनाई कि जिससे मजिस्ट्रेट को बेल, आप सुनिए प्लीज प्लीज, जिससे मजिस्ट्रेट को बेल देने में आसानी हो गई, शिलान्यास करने से मेट्रो बन जाता है क्या? किसी चीज की काम कितना हुआ था देखिए, जब और ये कानपुर वाले बता रहे थे मुझे कि बिफोर टाइम बन गया, तो किससे बनवाया? देखिए ऐसा है कि कानपुर में जब शिलान्यास हुआ, शुरुआत हमारी तरफ से हुई, अगर हमारी सरकार रहती कंटिन्यू होती 17 में, तो हम ही उसको पूरे तौर पे बनाते। शिलान्यास शुरुआत हमने की ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है, उन्होंने कानपुर के अरीब करीब जब फाइटर प्लेन को सड़क पर उतारा, अब लोगों के तो सवाल लोग फीता सरकार है, फीता सरकार, फीता काटने। 8 किलोमीटर का ट्रायल रन उद्घाटन इन्होंने लखनऊ में किया, और मेट्रो का फीता काट करके कहने लगे कि हमने मेट्रो चला दी। 9 किलोमीटर की मेट्रो कानपुर में आज चल रही है, यात्री उसमें यात्रा कर रहे हैं, हम ट्रायल रन का उद्घाटन नहीं करते हैं। और ये पूछ रहे थे कि गुंडाराज की परिभाषा क्या है, अरे भाई चौधरी अजीत सिंह ने बता दिया था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा बैठा। मैम ये कह रहे हैं कि कानपुर में 12 घंटे लाइट आ रही है, ये पूछिए इनकी सरकार ने अब तक कितने पावर प्लांट लगाए, 24 घंटे लाइट आती थी समाजवादी सरकार में, इनसे पूछिए कितने पावर प्लांट लगाए इन्होंने। मुझे लगता है ये भाई मुझे लगता है शायद कन्नौज से आए हैं,
ये मैनपुरी से आए होंगे, क्योंकि 24 घंटे बिजली तो केवल मैनपुरी कन्नौज में आती थी, कानपुर में बिजली नहीं आती थी। कानपुर में तो अब 24 घंटे बिजली, पहले 4 घंटे बिजली आती थी, दिन भर में 16 घंटे बिजली कटती थी। सवाल क्या है आपका, सवाल क्या है, किससे सवाल? सवाल मेरा ये है, जो ये बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये लाएंगे कहाँ से? इसके पहले जब इनकी सरकार थी तो दिन दिन भर बिजली नहीं आती थी, मुश्किल से 24 घंटे बिजली आती थी, 24 घंटे। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है बिजली जा रही है, लगातार बिजली मिल नहीं रही है, क्षेत्र में उद्योग बंद हो रहे हैं।